के रविंद्र पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। रविंद्र पंडित जी से मैं अगला सवाल लेता हूं। रविंद्र पंडित जी, आप तो कश्मीर में हैं, कश्मीर से ही इनको सच का आईना दिखाइए। ये लोग सच नहीं सुनना चाह रहे हैं, ये लोग आतंकवाद के इतने बड़े समर्थक हो गए कि इन्हें सच नहीं सुनना है। मैं तो पांडे जी क्या कहूं, इन्हें सबको पता है कि 32 साल पहले क्या हुआ है हमारे साथ में। तब भी मैं जाके वहां पे एज ए पीस बिल्डर इस टाइम LOC के ऊपर हूं, और एक प्रश्न इनसे सबसे पूछना चाहता हूं, अपने पैनलिस्ट से भी, इनसे भी, क्या कोई मजहबी जगह जो है कोई एंटरटेनमेंट की जगह बन सकती है? क्या किसी मजहबी जगह में कहीं पे भी आपने देखा है कि कॉफी होम बनते हुए, जो आप लोगों ने अभी शारदा पीठ पे बनाया, हमारी उस मुकद्दस जगह पे जो हमारा मक्का है, और आप जान लीजिए ये कि हम शारदा पीठ के लिए जान देंगे और शारदा पीठ को नहीं छोड़ेंगे। और ये वो मुसलमान है आपकी तरफ से जो 2016 में कामयाब हुए शारदा पीठ के ऊपर फूल चढ़ाने में, हमने वहां पे शारदा माता की तस्वीर लगाई, वो भी मुसलमान है। और जो आपकी आर्मी है उनको आगाह करना चाहता हूं कि ये कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। आप कब तक रोकेंगे हमारे कश्मीरियों को? हमारे कश्मीर में ऐसे कभी नहीं हुआ है कि किसी मजहबी जगह की जो है आप बेहरमती करेंगे। ये आप ठीक पहुंचाइए उस ब्रिगेडियर तनवीर अहमद तक एक खबर कि हमारा सिविल वाला जो तनवीर अहमद वहां जाता है और वो आना चाहता है हमको दिवाली पे मिठाई देने के लिए LOC टीटवाल पे। LOC टीटवाल वो जगह है जहां हमने फिर 75 साल बाद जो है शारदा मंदिर का कयाम फिर से अमल में लाया है वहां पे, और मंदिर चल रहा है। और हम जब उस ब्रिज पे जाते हैं, जो अफसोस से चिल्लाना गांव आपकी तरफ है, वो हमारा है, वो आपका नहीं है। आपका 22 अक्टूबर 1947 का वो दिन जो ब्लैक डे है, उसके बाद में जो आप काबिज हुए हैं, वो चिल्लाना भी मेरा उतना है जितना टीटवाल है, और आप ब्रिज पे उनको आने नहीं दे रहे। ये कौन सी पाक हुकूमत है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं मानते? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, POK, कोई आपने अलग से ही कोई AJK कंट्री बनाई, उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे हक में कि एनक्रोचमेंट नहीं होएगी शारदा पीठ पे 3 जनवरी 2018 का, इसका क्या माने रहा? ये पाकिस्तान आर्मी उसके ऊपर जो है दीवार ढह के गिरा के जो है वहां पे कॉफी होम बनाएगी, ये एनक्रोचमेंट की इजाजत किसने दी? या तो आप अपने POK के सुप्रीम कोर्ट को बंद करें या पाक आर्मी को वहां से हटाइए। वहां आपने ब्रिगेड कायम किया 2016 में, लास्ट बात आपने उसको हिफाजत के लिए वहां रखा पाक आर्मी को, ना कि वहां पे कॉफी होम बनाने के लिए और पेरिफेरल वाल, बाउंड्री वाल गिराने के लिए। राजा काशिप जी, जानते हैं कि मजहबी जो है सेंटिमेंट्स के साथ खेलना क्या राजा होता है। काशिप जी, हमने ये सब चीजें उठाई है और आपके लोग वहां प्रेसिडेंट सुल्तान बैरिस्टर और बाकी लोग चुप बैठे हैं इस टाइम, वो किस चीज की पपेट गवर्नमेंट है वहां पे? बिल्कुल रविंद्र पंडित जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, मैं राजा काशिप से जवाब ले लेता हूं आपके सवालों पर। राजा काशिप जी, क्यों आप मंदिर की दीवार गिरवा रहे हैं और कॉफी शॉप बना रहे हैं? जी जी, हाँ पूछें आप। मैं यही पूछना चाह रहा हूं जो रविंद्र पंडित जी ने सवाल उठाया है कि आखिरकार हमारे हिंदू धर्म के जो मंदिर है वहां पर उनकी दीवारें गिराकर आप कॉफी शॉप क्यों बना रहे हैं? अच्छा देखें पांडे जी, जहां जहां इशू हो रहा है मंदिर पे वो हल किया जा रहा है। हिंदू मतरुका बोर्ड बिल्कुल बाकायदा मौजूद है पूरे पाकिस्तान में। अब मसला ये हो गया कि हिंदुओं की तादाद अगर आप देखें तो वो आपको सिंध में ज्यादा मिलती है। वहां अगर इशू कहीं क्रिएट हो रहे हैं तो उसको हल किया जाता है, सोल्यूशन निकलता है। और पांडे जी मैं आपको जेन्युइन बताऊं, मेरे यूट्यूब पे मौजूद है, मैंने एबटाबाद में जो एक मंदिर था जो बंद था, पिशावर से एक हिंदू आए वहां पे, उन्होंने उसके ऊपर पूरा विजिट किया। मैंने तो कहा कि इसको आप इसको रीओपन करें, आपके लोग हैं, आपको होना चाहिए एबटाबाद में, अगर आपके थोड़े से भी राजा काशिप साहब, रविंद्र पंडित जी को आपने सुना, आपने रविंद्र पंडित जी को सुना, हम कहीं भी मना नहीं करते। राजा काशिप साहब, आपने रविंद्र पंडित जी को सुना, उनके दर्द को सुना, उनकी भावनाएं सुनी आपने, कि हम सबको राइट्स देते हैं। आपकी सेना अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है, आप ये सच स्वीकार कर लीजिए। यार पांडे जी, अब आप अच्छा सुने, आज एक तो तय हो गई कि आपके सामने जनरल सेना साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जितने अटैक हुए हैं, पिछले दिनों मर्डर हुए, ये सब रा ने किए हैं, इंडियन ने किए हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा ये सब हो रहा है और हमारी रिसर्च एनालिसिस विंग काम कर रहा है। तो पांडे जी,
ये बात इंडिया के सबसे बड़े चैनल पे आज ये बात तय हो गई। राजा काशिप साहब, राजा काशिप साहब, आप बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। केके सिन्हा जी ने मैं सवाल ले रहा हूँ, लेकिन आप बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है और पाकिस्तान उसी आतंकवाद का शिकार हो रहा है जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। केके सिन्हा जी, केके सिन्हा जी, आपके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास कर रहे हैं राजा काशिप। मुझे जनरल साहब को सुनना है। जनरल केके सिन्हा के बहुत सारे बयानों को और बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं उसको करके इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं लोग, वो जाए तीन चार जगह है। देखिए, मैंने आपको, मैं अपना दलील को नहीं चेंज करता हूं, मैं नहीं कहता हूं कि यहां पर रॉ निकल आया, मैंने ये कहा ये सच्चाई है पाकिस्तान के अंदर में ओन फैक्शंस, और ये आपके लोगों को कहना है ओन फैक्शंस के अंदर में, चाहे वो लश्कर ए तोयबा हो, यू नो हिजबुल मुजाहिदीन हो, या जितने भी फैक्शंस अभी आपने बनाए हैं जिसमें तहरीक ए तालिबान भी एक फैक्शन है, वो उन लोगों के अंदर में अपनी जो वॉर है, जो अपनी यू नो आतंकवाद का एक और चेहरा है विशाल जी, जिसको आप समझने की चेष्टा कीजिए, जो आज उनके अंदर में लीडरशिप की वॉर चल रही है जिसको इन्होंने पैदा किया था 90 के दशक में जावलाक ने, वही चीजें कट्टरता लाए थे। आपने बार बार पाकिस्तान आर्मी की नाम ली, पाकिस्तान आर्मी एक सेकुलर फोर्स हुआ करती थी बिफोर 90s, उसको जावलाक ने एब्सोल्युटली इस्लामिक जिहाद का एक नारा दिया और इतने तंजीमें खड़ी की, आज वही अंदर से खा रही हैं। आज 19 चाहे जिस भी तंजीम के हैं वो आतंकवादी मारे जा रहे हैं जो ने पाकिस्तान की धरती से और यूएन के अंदर में वो सब नोटेड टेररिस्ट हैं, वो मारे जा रहे हैं उन्हीं तंजीमों के लोगों के सारा। और राजा साहब ये सुने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान आर्मी की आईएसआई की रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान आर्मी के उनकी रिपोर्ट है जो यूएन में भी पेश हो रहा है। सुनिए साहब, आपके तोड़ मरोड़ करके चीजें पैदा करने से नहीं होती। विशाल साहब, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 26/11 के उस काले दिन की कारनामों के ऊपर में, जहां शहादत के बाद हमने पूरे विश्व के अंदर में आतंकवाद के उस नंगे चेहरे को सामने लाया। 9/11 हुआ, उस समय भारत बोला हमारे ऊपर में, तो हमारे पार्लियामेंट में अटैक हुआ था 2001 में, 2008 में हुआ था 26/11, और 26/11 के बाद हमने कहा टेररिज्म इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हैव ए ग्लोबल प्रॉब्लम। आज क्या है ये ग्लोबल प्रॉब्लम, आपको सब जगह दिखाई दे रहा है, किस चेहरा की, उस चेहरे को, बिल्कुल बिल्कुल केके सिन्हा साहब, आतंकवाद का नाम, पैनल में बैठे पाकिस्तान का नाम स्वतः आ जाता है, अपने आप लोग पाकिस्तान की चर्चा करने लगते हैं। आज आपने सुना ना 26/11 के, मन की बात सुनी ना आप, मन की बात की बात मैं बताता हूं, मन की बात, और ये मन की बात यहाँ के भारत के जो हमारे 150 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ जो 150 की संख्या में जाने, उनकी उठी हुई आवाज आज पूरा विश्व पहचानता है। आज यही बिल्कुल बिल्कुल केके सिन्हा जी, मुकीम अहमद से एक सवाल लेता हूं, मुकीम अहमद साहब, और ये चाहे वो ट्रांस अटलांटिक हो चाहे इंडो पैसिफिक हो, मुकीम अहमद साहब, कॉन्टिनेंट सीन।